ब्राह्मण अधिवक्ता मुकेश पाठक की सुसाइड से महोबा में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस से जब नहीं मिला न्याय तो मौत को गले लगा लिया। अधिवक्ता की सुसाइड से एक बार फिर महोबा विवादों में घिर गया है। दबंग जब कर रहे थे अधिवक्ता मुकेश को, परेशान तो कहां थी महोबा पुलिस। परसों भी एक होटल में पंचायत हुई थी, दबाव डाला गया था मुकेश पर। इसी मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने सीओ कुलपहाड़ को हटाया था सर्किल से। पुलिस इस मामले में मान रही है अपनी गलती, लेकिन इस मामले में क्या एसपी अरुण श्रीवास्तव से नहीं हुई कोई गलती? तो अगर एसपी अरुण श्रीवास्तव इस मामले की मॉनिटरिंग अच्छे से करते तो शायद अधिवक्ता की जान बचाई जा सकती थी। हिस्ट्री शीटर बदमाश छत्रपाल के विषकन्या का भी सहारा लिया था, तो ये कहा जा रहा है कि जो छत्रपाल था उसने विषकन्या का भी सहारा लिया था अधिवक्ता को फंसाने के लिए। तो महोबा में सभी को इस बात की जानकारी थी, लेकिन एसपी ने इस मामले को बिल्कुल हल्के में लिया था। तो ये आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर एसपी ने वक्त रहते हुए कार्रवाई की होती तो फिर अधिवक्ता की जान बच सकती थी। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अधिवक्ता ने एक दबाव में आने की वजह से सुसाइड कर लिया। उसने अपनी जान गंवाना बेहतर समझा, लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था। महोबा की खबर आपको बता रही, इससे पहले भी एक अधिवक्ता के ऐसी सुसाइड करने की खबरें सामने आई थी। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि जो अगर जनता की सेवा करने के लिए जिन लोगों को तैनात किया गया, अगर उन पर इस तरीके से अधिकारियों की तरफ से दबाव बनाया जाए तो जनता की कैसे सेवा करेंगे, और उन अधिकारियों का क्या, उनके तरफ से जवाबदेही कौन देगा? किस तरीके से दबाव बनाया जाता है जिस वजह से जनता की सेवा करने वाले लोग भी दबाव में आकर के आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ब्राह्मण अधिवक्ता मुकेश पाठक के सुसाइड से महोबा में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। पुलिस से जब न्याय की गुहार लगाई गई थी अधिवक्ता की तरफ से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने की वजह से इस अधिवक्ता ने मौत को ही गले लगा लिया। अधिवक्ता की सुसाइड से एक बार फिर से महोबा विवादों के कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दबंग जब अधिवक्ता मुकेश को परेशान कर रहे थे, लेकिन इस पर जब बार बार पुलिस से शिकायत की जा रही थी तब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो प्रश्न यहाँ पर पुलिस पर भी खड़े होते हैं। पुलिस प्रशासन के तरफ से लापरवाही देखने को मिली कि अगर अधिवक्ता के तरफ से पहले ही शिकायतें की गई थी तो सुनवाई वक्त रहते हुए क्यों नहीं की गई? क्यों यहाँ पर एक तरीके से लापरवाही बरती गई? और ये कह सकते कि क्या बचाने की कोशिश की जा रही थी दबंगों को? तो परसों भी एक होटल में इससे पहले पंचायत हुई थी, दबाव डाला गया था मुकेश पर। इसी मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने सीओ कुलपहाड़ को सर्किल से हटाया था, तो बाहर का रास्ता दिखाया गया था। पुलिस इस मामले में अपनी गलती तो मान रही है, लेकिन इस मामले में क्या एसपी अरुण श्रीवास्तव की कोई गलती नहीं है? क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अगर एसपी अरुण श्रीवास्तव से ये जानकारी हम आपको महोबा की दे रहे हैं, जहां पर एक अधिवक्ता के आत्महत्या की खबर सामने आई है। और इस पर हमारे साथ लाइक लंबरदार जिला अध्यक्ष प्रेसपा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे लाइक जी, जिस तरीके की ये घटना महोबा से सामने आई है, ब्राह्मण अधिवक्ता बताया जा रहा है जिसने सुसाइड कर लिया है दबाव के चलते, तो किस तरीके का माहौल महोबा में बन रहा है लाइक जी? क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ जी लाइक जी सवाल यही कि महोबा में जिस तरीके से एक अधिवक्ता अपनी जान देना कबूल करता है क्योंकि पुलिस तो उसे न्याय दे ही नहीं रही है, तो इसके दौरान कौन कौन लोग आपके हिसाब से कटघरे में खड़े होने चाहिए? ये मुकदमा जो लिखाया गया है ये राजनीति से प्रेरित है, और इसमें हमारे प्रदेश के जो महासचिव है उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर मान लीजिए, ये तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अधिवक्ता होने के बावजूद भी जब इनकी शिकायत नहीं सुनी गई, तो ऐसे में जनता अपनी शिकायतें पुलिस के पास कैसे लेकर के जाए, क्योंकि ये तो लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, इससे पहले उन्होंने एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो जिसकी जाँच जो है चल रही थी निरंतर, और अब क्या हुआ ये जाँच का विषय है। आज जाँच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे तो उसका। आप जिला अध्यक्ष है, आप जिला अध्यक्ष, आपके जिले में अगर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो ऐसे में जवाबदेही इसकी कौन करेगा?
घटना अब ये हुई है, उन्होंने डिसाइड किया है, ये जांच का विषय है। आगे भी जांच चलेगी और जो भी जांच में सामने आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन लयिक जी ये देखिए ना आप कि अगर ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सवालों के कटघरे में तो फिर कई लोग खड़े होंगे। एक अधिवक्ता की जान गई है, उसने आत्महत्या की है और आरोप अधिकारियों पर लग रहे हैं कि दबाव में आने की वजह से उसने अपनी जान गंवाना ज्यादा बेहतर समझा। अब ये जांच का विषय है मैम, आगे पता चलेगा और इसमें जो है न्याय जांच। तो आप बार बार कह रहे हैं जांच का विषय है, जांच का विषय है, ये बताइए जांच आखिर कौन करेगा और इतनी लापरवाही पहले क्यों की गई? अगर मान लीजिए जांच समय से की जाती तो शायद ये अनहोनी ही ना होती। नहीं, उसमें जांच चल रही थी, मुकदमा उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे तो उसपे जांच चल रही थी। अब अचानक ये घटना घट गई है, हम सारे लोग जो है जो भी घटना घटी है इसके लिए खेद प्रकट करते हैं और अधिवक्ता के पूरे परिवार के साथ हम सारे लोग खड़े हुए हैं, हमारी उनके साथ संवेदना है, हर तरीके से हम उनके साथ खड़े हुए हैं। देखिए सर, हम तो यही कहेंगे कि अब ये तो बचने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि जब जांच करनी चाहिए थी उस वक्त में इस तरीके की लापरवाही बरती गई। आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई थी और शिकायत के बाद जांच भी जारी थी, अगर जांच जारी थी तो दबंग फिर भी अपनी दबंगे दिखा रहे थे, दबाव लगातार बनाया जा रहा था, लेकिन उन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब दबाव मैम बनाया जा रहा था कि नहीं, ये तो संज्ञान में नहीं है किसी के, अब इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, यही हम लोग कहेंगे। और जिनको दोषी बनाया गया था तो पुलिस ने अपना, प्रशासन ने अपना काम किया है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और वो जेल भी जा चुके हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी प्रशासन उस पे लगा हुआ है और उस पे जल्द सफलता मिलेगी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ दीपक मिश्रा प्रसपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपक जी, जिस तरीके से अभी हमने लयिक जी से भी बात की थी और आप प्रसपा के प्रवक्ता है, तो आपसे ही सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रसपा भी इससे कहीं ना कहीं क्या बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तो अधिकारी तो कटघरे में खड़े हैं ही, लेकिन जिला अध्यक्ष हो या फिर अगर वहां पर जिसकी सरकार है उस पर भी तो सवाल उठेंगे। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रच्छिन्न समाजवादी पार्टी किसी के वैयक्तिक अपराधों में, किसी के कुकृत्यों में न कभी संरक्षण प्रदान की है न करेगी। यह हमारा सैद्धांतिक राजनीति का एक उजात पक्ष है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि दोषी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करे, लेकिन इसके साथ यह भी हिदायत है कि हमारे किसी कार्यकर्ता को अगर अनावश्यक प्रताड़ित किया गया तो इसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मामला लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। किसी भी निर्दोष दीपक जी, आपने लोकतंत्र की बात की, एक सवाल का जवाब दीजिए। दोषी बचना नहीं चाहिए। दीपक जी, आपने लोकतंत्र की बात की, इससे पहले जब जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए थे प्रसपा से तो हमने उनसे भी जब ये पूछा तो वो भी सिर्फ इतना ही कहते रह गए कि जांच जारी है, जांच जारी है। अरे तो कैसे जांच चल रही है कि जांच जारी है, इसके बावजूद भी अगर पुलिस को शिकायत दी गई है, एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तब भी दबंगों की हिम्मत देखिए कि वो इसके बाद भी एक अधिवक्ता पर दबाव बनाते और ऐसे में अधिकारी क्या कर रहे थे? तो ऐसे में अधिकारी, देखिए यह सवाल तो बजाय प्रच्छिन्न समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता से पूछने के आपको उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से पूछना चाहिए। इसके लिए कप्तान और कप्तान और कलेक्टर है। प्रच्छिन्न समाजवादी पार्टी का कोई संरक्षण किसी भी प्रकार, दीपक जी शायद आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि जिन दबंगों के नाम जाहिर किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो आप ही के पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं, तो सवाल तो बेशक है ना कि आप पर ही खड़े होंगे। नहीं तो मैं उन्हें दल से निष्कासित करता हूं। अगर आपके पास मतलब वो है कि हमारे दल के हैं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक। बिल्कुल दीपक जी, आपने सबूतों की बात की, बिना सबूतों के हम कोई खबर नहीं चलाते। तो आप यह भी एक खबर चला दें कि उन्हें प्रच्छिन्न समाजवादी पार्टी ने दल से निष्कासित किया। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? जाहिर सी बात है, अगर हमारे दल का कोई कार्यकर्ता गलत कार्य में होगा तो हम उसके नैतिक जिम्मेदारी से अपने को मना नहीं कर सकते। ऐसा करना डॉक्टर लोहिया के प्रति हमारी आस्था को लांछित करना मेरा होगा। सवाल अब भी यही रहेगा आपसे कि जब हमने जिला अध्यक्ष से बात की
तो वो बार बार एक ही जवाब को दोहराए जा रहे थे, आप भी वही काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि सवालों के कटघरे में आप भी खड़े हो रहे हैं दबंगों के तौर पर। अगर आपकी पार्टी से कोई सदस्य जुड़ा हुआ है उस पर यह आरोप लग रहा है कि वो एक तरीके से अधिवक्ता पर दबाव बना रहा है, तो किस तरीके की राजनीति आप लोग कर रहे हैं? आप तो पूर्वाग्रह ग्रसित लग रहा है, साफ साफ कह रहा हूँ कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। ठीक है, आपने थोड़ी देर पहले कहा निष्कासित कर देंगे, आप इस खबर को भी चलवाइए, ठीक हम वो खबर चलवाने को तैयार है, लेकिन क्या आप इस बात को कहते हैं, क्या आप कहेंगे, क्या आपके पास वो राइट है, वो पावर है कि आप उन्हें निष्कासित कर दे? बिल्कुल है, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, एक विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, यह मेरे विवेकाधिकार पर है, मैंने निष्कासित कर दिया, पत्र पहुंच जाएगा जिला अध्यक्ष को पहुंच जाएगा। इसके खिलाफ आपने लेटर जारी किया है कुछ? मान्यवर, लेटर टाइप करने में 5 मिनट लगते हैं, क्या आप लेटर टाइप करने का वक्त देंगे? मैं अभी कार्यालय जा रहा हूँ, निष्कासन का पत्र जारी कर रहा हूँ, एक बात। और दूसरी बात, आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रशासन को से मेरा आग्रह है कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। ठीक है दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से महोबा में अब प्रसपा पर ये सवाल उठ रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी के एक सदस्य पर यह आरोप लगा है कि दबंगों की तरह वो एक अधिवक्ता पर, ब्राह्मण अधिवक्ता पर वो दबाव बनाते हैं, तो इस तरीके से प्रसपा कहीं ना कहीं बसती हुई नजर आ रही है। वो बार बार एक ही बात कह रही है कि जांच जारी है, जांच जारी है, अगर उन्होंने आत्महत्या कर ली इसमें हम क्या कर दे? नहीं, मैं भी सुन रहा था प्रसपा के मुख्य प्रवक्ता जी का बयान। ये बात तो ठीक है कि जांच होनी चाहिए, और खास तौर से जब किसी नामजदगी के लिए बड़े व्यक्तियों की हो, सामाजिक व्यक्तियों की हो, तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष और खुली जांच होनी चाहिए, जिससे कि जनता को जांच के परिणाम पर विश्वास हो सके। लेकिन अगर प्रसपा के मुख्य प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं कि हम उनको पार्टी से निकाल लें, तब मैं समझता हूं कि ये तो और भी अच्छा संदेश है कि पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है ऐसे लोगों के साथ, और पार्टी निष्पक्ष कार्रवाई करने का एक तरीके से अप्रत्यक्ष संदेश दे रही है प्रशासन को। तो मैं समझता हूं कि अब जांच का इंतजार करना चाहिए। आप भी ये कह रहे हैं कि जांच का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये जांच कैसे चल रही है लक्ष्मीकांत जी, आप ये भी तो देखिए ना। मेरी बात तो सुने ना जी, किसी की नामजदगी हो जाना ही अपराधी है वो ऐसा नहीं माना जाता। किसी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर हो जाए तो वो चुनाव लड़ने के लिए आयोग नहीं मानता चुनाव आयोग, जब तक कि उसको 7 साल की सजा ना हो जाए और ऊपर की कोर्ट के द्वारा अपील स्टे ना हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजनीतिक दल के नाते अगर प्रसपा ने ऐसा काम कर दिया है या करने जा रहे हैं, तो फिर हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए और आग्रह यही करना चाहिए कि जांच निष्पक्ष हो और सार्वजनिक हो, जिससे कि जांच के परिणाम पर आम जनता को भरोसा हो। लक्ष्मीकांत जी, मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं। मेरा सवाल केवल इतना था, प्रसपा से भी आपसे भी, कि जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जांच जारी है, तो ऐसे में दबंगों की हिम्मत ऐसे में कैसे हो जाती है कि जांच जारी होते हुए भी वो अधिवक्ता के पास जाकर के लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सोई पड़ी है? नहीं नहीं, सिर्फ अब ये विषय बदल गया। अधिवक्ता ने जिन्होंने अपने गोली मारी उनकी क्या स्थिति है? माफ कीजिएगा, जरा आप अपना जवाब दोहराएंगे? है? आप जरा जवाब दोहराएंगे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अधिवक्ता जी हैं उनकी क्या स्थिति है? स्थिति क्या उनकी, उनका तो इंतकाल हो चुका है, उन्होंने आत्महत्या अच्छा, कर ली है। अच्छा, अब एक बात सुन लीजिए जी, अभी आपने कहा घटना की FIR दर्ज तो तभी हुई जब उन्होंने आत्महत्या कर ली। नहीं, सुसाइड नोट तब पढ़ा गया जब उनकी नाम की गई थी। है? इससे पहले शिकायत की गई थी? अगर पहले शिकायत की गई और कहीं पुलिस की कार्रवाई में लापरवाही हुई, मुद्दई को संतोष नहीं हुआ और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ, ये एक दृश्य हो सकता है, तो निश्चित तौर पर जो बड़े अधिकारी उनको जांच करनी चाहिए कि थाना लेवल पर कहां चूक हुई इसकी। लेकिन सवाल प्रसपा पर इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि दबंग जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो प्रसपा पार्टी से जुड़े हुए हैं,
मेरा निवेदन है कि उसको तो प्रसपा ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि उनको पार्टी से निकालना है और संदेश दे दिया कि उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई नियमित हो वो करनी चाहिए। हम उसमें पार्टी राजनीतिक दल उसमें बाधक नहीं है, ये संदेश सार्वजनिक दे दिया है। चलिए समझता हूँ, एक अच्छा संदेश है जी, और निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, संवेदनशील मुद्दा है। ठीक लक्ष्मीकांत जी, अब मैं आपके पास लौटूंगी। यहाँ एक सवाल दीपक जी से भी कर लूँ। दीपक जी, जिस तरीके से अभी बीजेपी नेता भी यही कह रहे हैं कि जांच पहले होनी चाहिए, और आपने ये कहा है, ये हमारे चैनल पर आपने एक्सक्लूसिवली बोला है कि अगर ऐसा होता है, दबंगों के बारे में ये सिद्ध हो जाता है कि वो आपकी पार्टी से है और आरोप सत्य है, तो आप उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देंगे। पहली बात तो माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान है, काफी अनुभवी है और चंद उन नेताओं में से है जिसपे कोई दाग नहीं लगा। यद्यपि वो हमारे दल के नहीं है, फिर भी मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उन्होंने सच को सच के रूप में कहा। दूसरी बात कि अगर और किंतु परंतु नरों व कुंजरों का कोई सवाल ही नहीं उठता। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मैंने घोषणा कर दी है, वो पार्टी से निष्कासित हो चुका है। कागजी कार्रवाई में 4-5 मिनट लगेंगे, सार्वजनिक रूप से कोई इस तरह से बयान नहीं दे सकता। इसके बाद आपको अगर लगाना नहीं चाहिए, मुख्य प्रवक्ता जब कह रहा है वो पार्टी से निष्कासित है, अब इतना नहीं जानकारी रहती, जिले स्तर पर तमाम पद बढ़ जाते हैं, जरूरी नहीं कि सारे बात रही हो जाए। दूसरी बात, प्रशासन से मैं ताकीद करता हूँ, आदरणीय वाजपेयी जी की मौजूदगी में कर रहा हूँ, वो भाजपा के शीर्ष नेताओं में से एक है, उनके निर्देश को टालने की हिम्मत किसी भी प्रशासनिक अधिकारी में नहीं होगी कि जांच निष्पक्ष करावे और दोषी को कठोर से कठोर संविधान के अनुरूप दंड संहिता के अनुरूप सजा दे। चलिए ठीक, बस यही हम आपसे भी सुनना चाह रहे थे, यही जानना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दीपक जी आपका भी और लक्ष्मीकांत जी आपका भी, बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि महोबा में ब्राह्मण अधिवक्ता मुकेश पाठक की जो सुसाइड मामला बताया जा रहा था, मामले में प्रसपा प्रदेश प्रवक्ता दीपक मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि मामले में आरोपी छत्रपाल यादव को मैं पार्टी से निष्कासित करता हूँ। तो ये उन्होंने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए अपना बयान दिया, और बयान में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि मामले में आरोपी छत्रपाल यादव को मैं पार्टी से निष्कासित करता हूँ।